आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सरदार पटेल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी विश्व कप का हाई वोल्टेज मैच खेला जा रहा है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता अमित कनौजिया ने वहां के माहौल का जायजा लिया। टीम इंडिया के फैंस का जोश हाई है और सभी को जल्दी है कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद जो रास्ता है उस रास्ते को कवर करते हुए चेयर अप कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या होगा, क्या कौन खेलेगा टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग? शुभमन गिल खेलेगा। शुभमन गिल खेलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुभमन गिल जीता के जाएगा इंडिया को। लोगों को उम्मीद है कि शुभमन गिल मैच के हीरो बनेंगे। आपका फेवरेट कौन है आज टीम इंडिया की? विराट कोहली। विराट कोहली, कोहली, सारे के सारे विराट कोहली के फैन हैं और सब चाहते हैं कि विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी पारी खेले। लगातार या जितने फैंस आ रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा वर्ग है या कह लें सबसे ज्यादा संख्या है वह है विराट कोहली के फैंस की, जो चाहते हैं कि विराट कोहली आज एक बड़ी पारी खेले। हमारे साथ कुछ और भी फैंस हैं, उनसे पूछते हैं। रोहित शर्मा। तो विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा से उम्मीद है। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम से। और एक और फैन आ गए, कर लो जीतेगा तो इंडिया, जीतेगा तो इंडिया, बस देश कह रहा है। पर आप क्या बोल रहे हो, कितना कितना मारेंगे, स्कोर कितना बनेगा? अरे स्कोर कितना बनेगा भाई, आप बताइए। 350। एंड शर्मा जी डबल सेंचुरी। शर्मा जी से यानी रोहित शर्मा से लोगों को सेंचुरी। ये सारे के सारे चाहते हैं कि विराट और रोहित सेंचुरी लगाए और लोगों की उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं और सब यहाँ ये सोच के आ रहे हैं कि आज का मुकाबला टीम इंडिया ही जीतेगी और पाकिस्तान को लगातार 8वीं बार हराएगी। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ अमित कनौजिया, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद।